सृष्टि नेचर, हर जानवर, हर पौधा, हर पेड़, हर पक्षी, इंसान, सब एक संतुलन में जीते हैं। सबकी एक भाषा है अपनी कम्युनिकेट करने की, है ना। तो ऐसे जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। अब ऐसी अगर हमारे गांव का एक झोटा किससे कम्युनिकेट कर रहा है, अमेरिकन गाय से, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है वो? अब क्या कह रहा है झोटा जो है अमेरिकन गाय को? हाय कर रहा है। कैसे? अब यहाँ पे झोटा बैठा, इधर अमेरिकन गाय, हेलो हेलो हेलो, अब झोटा हाय कर रहा है और उसका जो है जवाब यहां से किसके फ्लाइंग किस से आ रहा है? कैसे? अब ऐसे ही मुर्गा मुर्गी को छेड़ रहा है, मुर्गा छेड़ रहा है, मुर्गा यहां पे अभी इधर मुर्गी अब ऐसे ही सबके फेवरेट, हरियाणा में तो सबके फेवरेट कुत्ते, पूरे संसार में सबके फेवरेट, शेर से भी ज्यादा, मतलब कि क्या कहते हैं जिसको पूछा जाता है, गोदी में भी खिलाया जाता है, चप्पल से पीटा भी जाता है, डड़े से मारा भी जाता है कुत्ता। अब ऐसे ही ब्याह शादी का माहौल होता है, अब वहाँ पे जो है तरह 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 प्रकार के व्यंजन पकाए जाते हैं, मीठे, चटपटे, खट्टे, है ना, गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। अब उनकी सुगंध मिक्स होकर, रिमिक्स, आजकल रिमिक्स का जमाना है, रिमिक्स होकर कुत्तों तक पहुँचती है। अब कुत्तों के नाक, कान, है ना, आँखें भी, नींद, सब कुछ तेज, ठीक है, अब उन तक वो पहुँच रही है। अब जो है उसको सूंघ के अब कुत्ते वहाँ पे पहुँचते हैं, जो दूसरी गली के कुत्ते होते हैं उनका ही मन करता है कि उस गली में, जिस गली में शादी है वहाँ पे जाएं। अब जैसे उस गली के कुत्ते तो चाट रहे हैं पत्तल, ठीक है, वो कहीं से मिल गई प्लेट, चाटने लग गए। अब जो दूसरी गली से जो कुत्ते हैं उनका भी मन करता है, करता है, अब वो भी आते हैं। अब वो धीरे से एक कुत्ता हिम्मत करके उस गली में घुस जाता है, अब वो घुस रहा है धीरे धीरे। अब सबसे पहले उस गली में खाट के नीचे एक बुजुर्ग कुत्ता बैठा है जिसको कुत्ता खांसी लगी हुई है। अब वो उस पर भड़कता है, वो क्या कहता है, कैसे? इधर कुत्ते हैं, और तो खांसी लगी, उस खांसी को देख के पिल्लू रहा, उस गली का पिल्ला उस पे भड़, अब जो है उस कुत्ते पे कैसे भड़कता है वो देख रहा है उसको। अब उस पिल्ले को देख के अब वहां के जो जवान कुत्ते होते हैं अब वो जो है उसकी तरफ पहुंचते हैं। अब जो है उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, अब इधर से जो इस गली के कुत्ते हैं अब वो उस पे कैसे भड़क रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी जैसे वो कुत्ता, अभी जैसे कुत्ता पुछड़ नीचे करके अपनी और ऐसे, अब उनमें बातचीत क्या हो रही है, क्या बातचीत कर रहे हो? अब वो जो वहां का जो सरदार कुत्ता है बिल्कुल ऐसे ही और पुछड़ पीछे से ऐसे चल रही है उसकी, ठीक, अब वो उसमें भड़क रहा है, क्या कह रहा है? ओए क्यों आया बता, क्यों आया? अब इधर से वो कुत्ता जवाब कैसे दे रहा है, क्या कह रहा है? और अब हरियाणा से निकलते हैं, बॉलीवुड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा।
तो क्या होता है कि सभी अपने एक्टर जो हैं स्टार हैं, है ना, अपने फोगाट साहब भी बैठे हैं, सब हो गए। तो स्टार्स जो हैं सभी जो है अपने स्ट्रगल के टाइम पे अपना पहला वाहन खरीदते हैं, खरीदते गाड़ी खरीदते हैं। और जैसे अब जैसे शाहरुख खान, नाना पाटेकर और अपने संजीव कुमार और राजेश खन्ना जी, अब इन्होंने गाड़ी खरीदी उस समय पे, लेकिन वो 10-20 साल से वो चली नहीं और वो गैराज में खड़ी है। वो गैराज में खड़ी है, अब उनका मन किया, एक्टरों ने मीटिंग बिठाई कि यार बहुत दिन हो गए, अब इनको स्टार्ट करके देखते हैं अपनी गाड़ियों को। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले शाहरुख खान जी मन्नत पहुंचती अपनी जो पुरानी गाड़ी वो स्टार्ट की। अब जैसे ही उन्होंने स्टार्टर ऑन किया, वो गाड़ी उनके घर में रही, वो ऐसे माहौल में रही, कहते हैं ना नेचर के जो प्रकृति है हर चीज उसके अनुकूल चलती है। अब गाड़ी जो है उनके घर में खड़ी रही तो उन्हीं की तरह ही बोलने लग गई। अब गाड़ी का स्टार्टर ऑन कर रहे हैं शाहरुख खान जी, कैसे ले गए। अमरीश पुरी जी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ले गए। नाना पाटेकर जी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, धर्मेंद्र जी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अब जो है सनी देओल जी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अब ऐसे ही अगर एक्टर गाने गाने लग जाएं, जैसे बहुत सारे एक्टर आजकल गाने लग गए, लेकिन पुराने एक्टर नहीं गाते थे, लेकिन अब उनको ही गाने को मिल जाए, एक ऐसी क्रिएटिविटी, सिंगर नाम की क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, सपोज मानिए, और एक्टर अपने गाने खुद गाएं, तो उसमें से अगर संजीव कुमार जी अगर अपना गाना गाएंगे तो किस तरह से गाएंगे? एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, I don't mind। अब अमरीश पुरी जी गाना गा रहे हैं, हेलो बिजली गिराने तू है आई, लोग कहते हैं तुझको हवा हवाई। नाचो बोगैम्बो खुश हुआ। अब प्राण जी गाना गा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अपने फेस से ट्रायंगल बना रहे हो, और गाना गा रहे हैं, उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे, अनी बाबा नींद नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे बिटा दिया सर। अब धर्मेंद्र जी गाना गाएंगे, धर्मेंद्र जी गा रहे हैं, और कनकी पर हाथों में जो कंगन घनके अब ऐसे पुनीत सर जिन्होंने महाभारत में दुर्योधन का रोल किया था, अब वो गाना गाएंगे, वो किस तरह से गाएंगे? मामा से और कुछ आगे बोल, मैं गाना गाऊंगा, थैंक यू वेरी मच।